जहां भाजपा के अंदर दबे स्वर खुले मन से आने लगे, तो कहीं हार के पीछे गलत टिकट वितरण और अमित शाह के मैनेजमेंट को ठहराया जा रहा है। जहां भाजपा में हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बता दिया। योगी आदित्यनाथ क्या मजबूत तरीके से सरकार चला पा रहे हैं, या फिर अब मन बना लिया है संगठन ने कि जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत एट नाइन में लगातार यूपी की सियासी हलचल पर हमारी नजर है। देखिये, यूपी में सियासी उठापटक दो दिन से लगातार जारी है। जहां भाजपा अपनी हार की समीक्षा करने में लगी हुई है, तो वहीं लोकसभा में मिली जीत ने सपा और कांग्रेस का मनोबल हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। लोकसभा परिणाम आने के बाद सबसे ज्यादा अगर सियासी हलचल कहीं हुई तो वो उत्तर प्रदेश में हुई, जहां भाजपा के अंदर दबे स्वर खुले मन से आने लगे, तो कहीं हार के पीछे गलत टिकट वितरण और अमित शाह के मैनेजमेंट को ठहराया जा रहा है। वहीं पार्टी के बड़े नेताओं के खुले मंच पर नूरा कुश्ती देखने को मिली है। इन सब के बीच सपा और कांग्रेस ने भी भाजपा की खिंचाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जहां भाजपा में हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बता दिया। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन की सरकार से बड़े होने की बात कही। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के अलग अलग कारण बताए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ योगी के बयान को इस रूप में लिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व अति आत्मविश्वास में था। इन दोनों के बयानों और अलग अलग मुलाकातों के बाद यूपी में बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों के केंद्र में है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ। योगी कभी कोई चुनाव नहीं हारे, केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ एक एक बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीत सके हैं। केशव वीएचपी संघ की पृष्ठभूमि में आते हैं, वहीं योगी की पहचान आरएसएस के साय से अलग हिंदुत्व वाली राजनीति की रही है। योगी आदित्यनाथ 1998 में जब गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए तो उनकी उम्र महज 26 साल हो रही थी। क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए ज्यादा अहम है या योगी आदित्यनाथ, ये सवाल हर किसी के मन में है। यूपी में योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की जो अटकलें लगाई जा रही है, उसे समझने के लिए कुछ तारीखों पर गौर करते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनावी नतीजों में यूपी में बीजेपी के हिस्से आई 33 सीटें, यानी 2019 की तुलना में 29 कम। जून से जुलाई के बीच यूपी में कई जगहों पर प्रशासन और बीजेपी नेताओं के बीच विवाद और बहस होने की खबरें आई। 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि संगठन प्रदेश और देश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से कोई बड़ा नहीं होता। 16 जुलाई की दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य और यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। 17 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। 17 जुलाई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल के दफ्तर की ओर तस्वीरें साझा कर कहा गया शिष्टाचार मुलाकात। बीते 1.5 महीने में अलग अलग तारीखों पे हुई इन मुलाकातों और बयानबाजी से अटकलें और ज्यादा तेज हुई हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है। इस सवाल को सबसे पहले बड़े स्तर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उठाया था। केजरीवाल ने 11 मई 2024 को एक चुनावी सभा में कहा था, अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग, योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। अब ऐसे में बीजेपी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में आने और यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद यही सवाल फिर से उठने लगा है। बीजेपी आलाकमान यूपी में पार्टी की बड़ी जीत ना होने से नाराज है। कुछ लोग इसके लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हैं और कुछ शीर्ष नेतृत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयान और सक्रियता को विपक्षी नेता इसी कड़ी से जोड़कर देख रहे हैं। 17 जुलाई को यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। देखिए, अखिलेश ने लिखा, तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, आज वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। अखिलेश के इस ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। मौर्य ने ट्वीट कर कहा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, बीजेपी का देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है, सपा का पीडीए धोखा है,
यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। इसके बाद 17 जुलाई की देर रात अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ट्वीट कर कहा, लौटकर बुद्धू घर को आए। अब आप सोच लीजिए किस तरह से विपक्षी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। 18 जुलाई की सुबह अखिलेश यादव ने फिर ट्वीट किया, मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। बस ये ट्वीट भर करना था। ये तीन ट्वीट यूपी की राजनीति में बड़ा फेरबदल या हलचल ला सकते हैं। योगी की कार्यशैली पर सवाल उठाने वालों में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी शामिल रहे। 16 जुलाई को संजय निषाद ने कहा, बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये बेघर और गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो एकजुट होकर ये लोग हमें चुनाव में हरवा देंगे। अब योगी आदित्यनाथ की राजनीति में बुलडोजर की खास अहमियत है, ये किसी से छिपी नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान योगी की रैलियों में कई जगहों पर बुलडोजर भी खड़े किए गए थे। योगी सरकार के दौरान कई जगहों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई और लोगों के घर गिराए गए। इससे पहले बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनीलाल की नेता और एनडीए सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार से अपनी शिकायत सार्वजनिक की थी। अनुप्रिया ने योगी की चिट्ठी लिखकर कहा था कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को रोजगार देने के मामले में भेदभाव कर रही है। अनुप्रिया इस चिट्ठी के बाद कुछ जानकारों ने कहा था कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमीन तैयार की जा रही है। अनुप्रिया, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य तीनों ओबीसी नेता हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जिन पर अगड़ी माने जाने वाले जातियों के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कुछ जानकार योगी बनाम केशव की जो सियासी लड़ाई देख रहे हैं वो आंकड़ों और अतीत में कैसी रही है। इसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ की चुनावी राजनीति को समझना सबसे अहम है। 2024 की बात है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले यूपी के पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, मगर योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटें बचाने में पूरी तरह से सफल रहे। बीजेपी गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बांसगांव सीटें जीतने में सफल रही। वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली। इन तीनों सीटों पर केशव प्रसाद मौर्य का असर माना जाता रहा है। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश करती रही, मगर इन चुनावों में मौर्य पार्टी को वो सफलता नहीं दिलवा पाए जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी। यूपी और बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक हैसियत को इन कुछ सालों की क्रोनोलॉजी से समझा जा सकता है। देखिए, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से हार गए थे। चुनावी हार के बाद माना जाता रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ की सरकार में जगह नहीं मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य राज्य के उप मुख्यमंत्री बने रहे। केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है, जबकि योगी को अमित शाह के विरोधी के रूप में पेश किया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, मगर सिर्फ साल 2012 से वो विधायकी का चुनाव जीत पाए थे। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और 3 लाख से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस सीट पर बीजेपी पहली बार जीत सकी थी। फूलपुर सीट पर बीजेपी की जीत इतनी अहम रही कि केशव प्रसाद मौर्य को जल्द यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। फिर हुआ 2017 विधानसभा चुनाव और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। केशव प्रसाद मौर्य तब सीएम पद की रेस में थे, मगर कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली। अब योगी सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के पास पहले पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, मगर 2022 में केशव से मंत्रालय छीन लिया गया। दोनों नेताओं के बीच मतभेद की एक वजह इसे भी बताया जाता है। इससे पहले 2017 में मौर्य को राज सचिवालय की एनेक्स बिल्डिंग में 5वें फ्लोर से अलग शिफ्ट होने के लिए कहा गया था। ये बिल्डिंग यूपी सरकार के सत्ता का केंद्र है। केशव प्रसाद मौर्य शुरुआती दिनों में आरएसएस और वीएचपी से जुड़े रहे। वो आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा है और वो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य दावा करते हैं कि वो बचपन में चाय और अखबार बेचते थे। बीजेपी पीएम की तरह केशव प्रसाद मौर्य की ओबीसी पहचान को प्रमुखता से बताती है। केशव मौर्य गौरक्षा अभियान में भी काफी सक्रिय रहे और वो राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल थे। बीजेपी के भीतर केशव प्रसाद मौर्य क्षेत्रीय समन्वय पिशावर प्राकोष्ठ किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। मौर्य को बीजेपी की कमान सौंपने के पीछे का मकसद गैर यादव ओबीसी वोटरों को आकर्षित करना था। केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से, जैसे मौर्य, मोराव, कुशवाहा, शाक्य, कोयरी, काछी, सैनी, ये सभी मिलकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8.5% है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 10 सीटों में से 9 सीटें विधायकों के लोकसभा चुनाव में लड़ने और जीतने के बाद खाली हुई। एक सीट सीसामऊ से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी को एक क्रिमिनल केस में दोषी करार दिए जाने के बाद खाली हुई। इन उपचुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने अभी नहीं किया, मगर सपा और कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो इंडिया गठबंधन के तहत मैदान में उतरेंगे। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इन 10 विधानसभा सीटों में से 5 में सपा को 2022 में सीट
जीत मिली थी और एक सीट तब सपा के साथ संगठन में रही राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी। अभी आरएलडी बीजेपी के साथ है, 3 सीट बीजेपी और 1 सीट निषाद पार्टी ने जीती थी। यूपी की दिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वो है फूलपुर, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर, बीरापुर, गाजियाबाद, मझवा, सीसामऊ, खैर, कुंदुरकी। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में इस तरह की खलबली मचेगी तो आगे लोकसभा के परिणाम जो आए हैं वैसे ही परिणाम आपको उपचुनाव में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि देखना है किस तरह से संगठन और सरकार मिलकर मंथन कर रही है। अब जब तारीखों का ऐलान होगा और जब चुनाव होंगे और जब चुनावों के नतीजे आएंगे तब इस बात को कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ क्या मजबूत तरीके से सरकार चला पा रहे हैं या फिर अब मन बना लिया है संगठन ने कि जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।